आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। रूस के सैनिकों ने यूक्रेन के दूसरे बड़े शहर खार्किव पर किया हमला, खतरे में राजधानी कीव। यूक्रेन युद्ध के बीच जेलेंस्की की अपील, रूस के लिए बंद किए जाए दुनिया के सभी पोर्ट और एयरपोर्ट। जंग के बीच अमेरिका का बड़ा कदम, यूएन में 12 रूसी डिप्लोमेट्स को देश से निकाला गया। आज थम जाएगा छठे चरण का चुनाव प्रचार, 10 जिलों में 3 मार्च को डाले जाएंगे वोट। आज मनाया जा रहा है महाशिवरात्रि का पर्व, शिवालयों में गूंजा हर हर महादेव के नारे। नमस्कार, मैं हूं मुस्कान अजमानी और आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे विश्वसनीय चैनल प्राइम टीवी। आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए रुक करते हैं यूपी की बड़ी खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के लिए प्रचार चरम पर है। सिद्धार्थनगर के इटवा विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी के समर्थन में इटवा बस स्टैंड में पहुंचे अमित शाह ने विशाल जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी सरकार ने जो भी वादा किया था वो करके दिखाया है, चाहे राम मंदिर निर्माण हो, स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करना हो, हर वर्ग के लिए हम लोगों ने काम किया है। चुनावी सरगर्मियों के बीच छठे चरण में बलरामपुर में मतदान होना है, इसको लेकर जनता भी उत्साहित है। वहीं बीजेपी से गोरखपुर के सांसद रविकिशन बलरामपुर के गैसड़ी विधानसभा पहुंचे, जहां उन्होंने भाजपा प्रत्याशी शैलेश सिंह के समर्थन में जनसभा की। इस दौरान उन्होंने मंच पर पहुंचते ही विपक्ष पर जमकर निशाना साधा और कहा कि विपक्ष की आंख में पट्टी बंधी हुई है, उत्तर प्रदेश के अधिकतर क्षेत्र में बीजेपी जीत रही है और अब तक चुनाव में सिर्फ कमल ही कमल है। तो आपको बताते चले कि बलरामपुर में छठे चरण में चुनाव होना है, जिसको लेकर तमाम पार्टी के दिग्गज चुनावी प्रचार में जुट चुके हैं। बांदा में भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री को ज्ञापन भेजा है। वह यूक्रेन में फंसे छात्र छात्राओं और भारतीय नागरिकों की वापसी के लिए जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। साथ ही जल्द कार्रवाई नहीं होने की दशा में किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने अनशन और आंदोलन करने की भी चेतावनी दी है। लोगों ने यूक्रेन में फंसे हुए अपने भारतीय छात्र छात्राएं और नागरिकों के संबंध में ज्ञापन था कि युद्ध के दौरान जो वहाँ फंसे हुए हैं तो उसकी व्यवस्था वहाँ से कराई जाए, उड़ाने वहाँ से फ्लाइटें बढ़ाई जाए, और यहाँ पर जब भी हमारे फंसे हुए नागरिक आए हैं तो उनको लखनऊ से बसें उपलब्ध कराई जाए, उनके घर तक उन्हें पहुँचाया जाए। हमारे छात्र जो यूक्रेन में फंसे हुए हैं उनको निकालने के लिए बहुत जल्द ही व्यवस्था की जाए, इसलिए ज्ञापन दिया गया। और धान खरीद केंद्रों में अब भी हमारे ट्रैक्टर खड़े हुए हैं, जिनकी भी खरीद। चुनावी प्रचार के लिए जौनपुर पहुंचे मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मुंगरा बादशाहपुर में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मंच से भाजपा सरकार की तारीफ करते हुए सपा और बसपा पर जमकर हमला बोला। वहीं मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा की आंधी चल रही है, अंडर करेंट अब बाहर आ गया है और मोदी जी के नेतृत्व में जनता सुशासन के लिए उमड़ घुमड़ कर भाजपा के साथ आ रही है और साइकिल अब पंचर होगी। 5 साल पहले आपने डॉक्टर हरेंद्र सिंह को मौका दिया था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई थी, याद करो मेरे बहनों और भाइयों, एक तरफ सपा की सरकार, अखिलेश की सरकार, और एक तरफ योगी जी की सरकार। सपा की सरकार में 700 दंगे हुए थे, 700 हुए थे कि नहीं हुए थे? माफिया राज था, मर्डर करने वाले, जनता का धन लूटने वाले, जनता का खून पी के अपनी भप्पे मारते खड़े करने वाले माफिया राज कर रहे थे।
लेकिन बाबा का बुलडोजर ऐसा चला कि माफिया दफन हो गए। नहीं कौन कौन, आजम खान से लेके अंसारी तक, जिन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश में अराजकता का राज पैदा किया था, आज वो अखिलेश की सरकार में खिलखिलाते थे, आज जेलों में बिलबिला रहे हैं। यूपी में छठवें चरण के चुनाव को लेकर भाजपा लगातार प्रचार कर रही है। वहीं मंजुआ विधानसभा क्षेत्र के पैड़ापुर में आयोजित निषाद पार्टी की जनसभा में पहुंचे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। इस दौरान उन्होंने सपा सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि आज हम सब बिना मास्क के सट कर बैठे हैं, ये डबल इंजन सरकार की डबल डोज का ही कमाल है। इस दौरान अखिलेश ने कहा था कि टीका मत लगवाना, ये भाजपा सरकार का टीका है, ये मोदी का टीका है, और अखिलेश ने तो खुद भी टीका लगवाया और लोगों में वैक्सीन को लेकर दुष्प्रचार किया। उन्हें जनता 10 तारीख को सबक जरूर सिखाएगी। देख रहा हूं आप लोग बैठे हुए हैं और बड़े बिना मास्क लगाए बैठे हैं और सट के बैठे हैं, ये संभव कैसे हुआ भैया? ये मोदी जी ने लगाया टीका, और डबल टीका, डबल इंजन का डबल टीका, 169 करोड़ टीका लग चुका है। और आज मैं योगी जी से सुबह पूछ रहा था, 29 करोड़ टीका लग चुका है उत्तर प्रदेश में, पहला डोज पूरा हो गया। तो मित्रों याद रखो, और आप बताइए अखिलेश ने कहा था कि नहीं कहा था कि ये टीका मत लगाना? कहा था कि नहीं कहा था? और कहा था कि नहीं कहा था इसका ट्रायल नहीं हुआ है, टीका मत लगाना, ये मोदी टीका है, ये बीजेपी का टीका है। मैं आजकल पूछता हूं कैसा लगा मोदी टीका, कैसा लगा? मित्रों उन्होंने देखिए खुद टीका लगवा लिया और उत्तर प्रदेश की जनता को गुमराह किया कि नहीं किया, गुमराह किया कि नहीं किया, धोखा दिया कि नहीं दिया? ऐसे लोगों को 7 तारीख को जवाब देना है। खबर लखीमपुर खीरी से है, जहां धार्मिक स्थल पर अराजक तत्वों के लोगों ने जमकर तोड़फोड़ की और वहां की पौराणिक मंदिर की मूर्तियों को भी नष्ट करने का प्रयास किया। साथ ही मंदिर के पीछे खुदाई भी की। वहीं आक्रोशित ग्रामीणों ने पुलिस को इस पूरे मामले की जानकारी दी। वहीं पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट गई है। बता दें कि पूरा मामला फूलबेहर थाना क्षेत्र के ग्राम पूजा गांव अषाढ़ी का है। लखीमपुर के थाना फूरभेड़ के गांव पूजा गांव में जिस तरीके से विधर्मियों के द्वारा एक सैकड़ों वर्ष पुराने सिद्धि बाबा का स्थान था, जिसमें कई प्राण प्रतिष्ठित प्रतिमाएं थीं, उन प्रतिमाओं को क्षतिग्रस्त करना, मंदिर की दीवार को तोड़ना, उसके नीचे खोदना, ये कितना दुस्साहसपूर्ण कार्य है, ये विधर्मियों के द्वारा किया गया कार्य है। प्रशासन इस पर कठोर कार्रवाई करे, उनको मुकदमा उनके खिलाफ पंजीकृत करे, उनकी गिरफ्तारी करे, मंदिर का जीर्णोद्धार कराए, क्योंकि हिंदुओं का ये बहुत बड़ा अपमान है। हिंदुओं के लिए अपमानित नहीं, ये सोची साजिश है, हिंदुओं को भड़काने की साजिश है। इसकी छिनगारी आगे न पहुंचे, इसलिए प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है कि वहां पर मौके पर नई मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा करा करके और क्षतिग्रस्त मंदिर को सही कराएं, जिससे वहां पर शांति व्यवस्था बनी रहे और उन पर जिन लोगों ने ऐसा कुरकृत किया। मामला मथुरा जनपद के मंगोरा थाने का है, जहां दबिश देने पहुंची असोजी टीम और ग्रामीणों में जमकर विवाद हो गया, जिसके चलते ग्रामीणों ने थाने के सामने जमकर बवाल काटा। इस दौरान पुलिस ने भी ग्रामीणों पर लाठी चार्ज करते हुए खदेड़ दिया, जिसके चलते ग्रामीणों ने पुलिस और महिलाओं के साथ अभद्रता और मारपीट करने के आरोप लगाए। बता दें कि इस घटना का पूरा वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, तो चलिए आपको दिखाते हैं सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वो वीडियो। ये थी क्राइम ब्रांच वाले आए, बताए गए इंस्पेक्टर साहब बता रहे हैं कि क्राइम ब्रांच वाले आए हैं, तो मैं इधर फोटो लूं, नरेंद्र वकील साहब हम दोनों अपने दरवाजे पे खड़े होकर बात कर रहे थे, तो क्राइम ब्रांच वाले कहीं से मुलजिम लेके आ रहे थे, तो हमने भाई क्या हो गया इतना ही पूछते हुए, तो नरेंद्र वकील साहब के साथ उन्होंने मारपीट चालू कर दी। मैं इनको बचाने के लिए गया तो वो मेरे घर में नरेंद्र वकील साहब को घसीटते हुए, मैंने बचाने का प्रयास किया तो मेरे साथ मारपीट की, मेरा बेटा बचाने के लिए आया तो उसके साथ मारपीट की, मेरी पत्नी बचाने आई तो उसको धक्का मार के गिरा दिया नीचे।
ये सिर्फ सादा ड्रेस में मेरे घर में घुस के जबरदस्ती मेरी मिसेज के साथ बदतमीजी की और जबरदस्ती मेरे घर में घुस के और दूसरे घर में घुसे और वहाँ से उस लड़के को जबरदस्ती उठा के मेरे घर में होके लेके और मेरी मिसेज के साथ हाथापाई की है उन लोगों घरवाले को और घर पे हम कोई मौजूद नहीं था। मैं भंडारे में था, वहाँ पे भोले बाबा का भंडारा चल रहा है, उस भंडारे में मौजूद था। लड़के का कोई बाप भैया कोई नहीं बच्चे को पढ़ते हुए उसको जबरदस्ती और उसकी माँ के साथ हाथापाई की। नाम नाम की पता है, इन्होंने कोई नाम नहीं बता के दे रहे। एसओ साहब से भी बात की, एसओ साहब भी नाम नहीं बता के दे रहे और ये कोई भी अपना नंबर नाम कोई नहीं बता के दे रहा। मैंने तो सिर्फ इनसे यही पूछा था, मैंने सब सिविल के या गाँव के आदमी समझे थे, कोई भी वर्दी में नहीं था। तो मैंने समझा, मैंने कि कहाँ से आ रहे, मैं क्या हो गया, मैंने कि तुझे ही बताएं क्या, मेरे से इन्होंने ऐसे किया। तो एक एक दरोगाजी मैंने गांव के ये हमारे थाना इंचार्ज हैं वो पहचान लिए, उन्होंने कहा आप जाइए। मैं वहां से आ गया, मैं इनसे बात करने लग गया। इतने में ये वापस जब आए हैं तब इन्होंने कहा आप ये नेतागिरी कर रहे थे उस पर ही। फरीदाबाद में स्टेट विजिलेंस की टीम ने खाद और नागरिक आपूर्ति विभाग के इंस्पेक्टर को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि लाइसेंस नवीनकरण के नाम पे 60,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। स्टेट विजिलेंस ब्यूरो हरियाणा के एडिशनल SP अनिल कुमार के नेतृत्व में टीम ने ये कार्रवाई करते हुए सफलता हासिल की है। साथ ही आरोपी शिकायतकर्ता से पहले भी 1,20,000 की रिश्वत ले चुके थे। विधानसभा चुनावों में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम में नई परंपरा की अब शुरुआत की जा रही है, जिसमें गांव-गांव में पिंक रैली के माध्यम से जनता को जागरूक किया जा रहा है। चुनाव में महिला वोट प्रतिशत बढ़ाने के लिए पिंक रैली का यह आयोजन किया गया। आपको बता दें कि इस आयोजन में सभी महिलाएं पिंक ड्रेस पहने हुए नजर आईं। तो तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं किस तरह महिलाएं शपथ ले रही हैं और सभी महिलाएं पिंक ड्रेस में नजर आ रही हैं। इस दौरान ये सभी महिलाएं गांव-गांव जाकर महिलाओं को मतदान देने के लिए जागरूक करेंगी। 7 मार्च को हमारे यहाँ पर इलेक्शन होना है और इलेक्शन में लोगों को जागरूक करने के लिए, वोट प्रतिशत बढ़ाने के लिए, खास करके महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए आज बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से एक रैली आयोजित की गई है जो स्वीप के अंतर्गत पिंक रैली है और इसमें हमारे जो विभाग की महिलाएँ हैं, महिला शिक्षिकाएँ हैं, उनके द्वारा लोग। खबर गाजीपुर से है जहां बहरियाबाद के सुभाष विद्या मंदिर इंटर कॉलेज के मैदान में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य उद्देश्य रहे कि कैसे जनता को अपने खेमे में लाया जाए। इस दौरान मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मौजूद रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जनता को संबोधित करते हुए गीता के श्लोक के साथ अपने संबोधन की शुरुआत की और कहा कि धर्म की रक्षा और दुष्टों का संहार करने के लिए राष्ट्रनायक के रूप में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगे हुए हैं। यूक्रेन में फंसे मेडिकल छात्र दिव्यांशु सकुशल अपने घर पहुंच गए। वहीं माता पिता ने दिव्यांशु को सुरक्षित देखकर अपनी खुशी जाहिर की। साथ ही दिव्यांशु ने वहां की हकीकत बयां करते हुए कहा कि यूक्रेन में युद्ध के उस दौर को हम जिंदगी भर कभी नहीं भूल सकते हैं। तो तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं किस तरह औरैया का बेटा यूक्रेन से सकुशल वापस आ गया, जिसके बाद परिजनों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। वहीं वापस लौटे दिव्यांशु ने बताया कि यूक्रेन में युद्ध के उस दौर के हालात को वो कभी जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। देखिए, जब हम लोग वहां से चले थे तो वैसे तो सब बंद है ट्रांसपोर्ट, बट इंडियन एम्बेसी की तरफ से पहले हम लोग को हमारी यूनिवर्सिटी से सब बच्चे जहां भी फंसे हुए थे, जो फ्लैट में रह रहे थे, जो कहीं दूसरी जगह रह रहे थे, सबको हमारी यूनिवर्सिटी में एक साइड पर इकट्ठा किया गया। जो थोड़ा बहुत सेफ था बॉर्डर, उस साइड पर हमको एक साथ करके फिर लिस्ट निकाल के हम लोग को 250 बच्चों की लिस्ट मतलब बसों में हम लोग को पहुँचा के फिर यूक्रेन का बॉर्डर पार कराया बस के थ्रू। फिर जब वहाँ से फिर हम हंगरी में जब एंटर हुए तो वहाँ से इंडियन एम्बेसी की बस खड़ी मिली, फिर हमने बस चेंज की और बस चेंज करके फिर इंडियन एम्बेसी की बस में बैठ के और फिर हम लोग बुदापेस्ट की तरफ गए। यूपी बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए Prime TV।
आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।